हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स? होप आप सब जन ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं सोलर एक्लिप्स की रीडिंग कर रही हूँ, जो कल है, जो सुबह कल 11 बजे 10 बजे स्टार्ट होगा, दोपहर के 3 बजे तक है सोलर एक्लिप्स। ये सोलर एक्लिप्स के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वो सब डिस्कस करूँगी मैं। फ्रेंड्स जो नए हैं चैनल पर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और प्लीज़ क्लिक द बेल आइकॉन, ताकि आपको पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कब क्या होने वाला, कब अपलोड किया है मैंने चैनल को। देखो, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मतलब समझ लो, ये एक अलाइनमेंट का कार्ड होता है, एक बैलेंस का कार्ड होता है, बैलेंस का कार्ड होता है। और इसमें एक देखो, एक पर्सन ऐसे दिखा रहा है, किसी से कोई किसी को कुछ दे रहा है, तो मतलब कोई किसी से फॉरगिवनेस मांग सकता है, किसी से माफ़ी मांग सकता है, अपोलॉजी मांग सकता है, क्योंकि स्केल्स बैलेंस करने का कार्ड आ रहा है। ये जो सोलर एक्लिप्स आ रहे हैं ना फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बोला था जब लूनर एक्लिप्स आया था, लूनर एक्लिप्स से सोलर एक्लिप्स के बीच में बहुत ज़्यादा मेजर ड्रेस्टिक चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक एक्लिप्स है। जब है ना 26 दिसंबर 2019 में जब एक्लिप्स आया था, तब समझ लो उस वक्त मेजॉरिटी ऑफ, उस पीरियड के बाद में मेजॉरिटी ऑफ फीमेल अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी, शक्ति की अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी। आपने देखना 2020 से लेके अभी तक बहुत सारी फीमेल्स हैं जो अवेकनिंग प्रोसीजर में आए थे, उनको पता चला कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है। उसी तरह से अभी ये जो आया है ना, उसके बाद में मेजॉरिटी ऑफ मेल्स मतलब मैस्कुलिन एनर्जी को पता चलेगा कि वो ये जर्नी में है, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी। अगर उनकी ऑलरेडी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ये पीक पे पकड़ेगी। कि एक्लिप्स का ये फ़र्क है, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ना इसमें, है ना, शिव की बोलते हैं ना, शिव की अवेकनिंग स्टार्ट होगी। और ये एक अलाइनमेंट में आने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है इसमें, अलाइनमेंट यूनियन में आने का प्रोसीजर। तो ये जो एक्लिप्स था ना 2019 एंड में 26 दिसंबर से लेके अभी तक में, मोस्टली फीमेल्स की अवेकनिंग हुई थी शक्ति की, और अभी जो चालू होगा वो नेक्स्ट 1 या 2 ईयर तक मेल्स की अवेकनिंग बहुत ज़्यादा होगी। जो स्पेशली रनर्स होते हैं ना, वो मोस्टली मैस्कुलिन एनर्जीज में होते हैं, और जो चेजर्स होते हैं वो मोस्टली फेमिनिन एनर्जीज में होते हैं। मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, मेल या फीमेल की बात नहीं करती हूँ। ये फेमिनिन एनर्जीज मेल में भी हो सकती है, जो चेजर की एनर्जी में है वो फेमिनिन एनर्जीज है। आई होप आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। तो आपके पर्सन अगर जो रनर है, वो जो है ना भाग रहे हैं आपसे, वो अभी मैस्कुलिन एनर्जी में है, तो उनकी अवेकनिंग डेफिनेटली स्टार्ट होने वाली है, होगी, क्योंकि ये पीरियड इतना बड़ा चेंज लेके आएगा। और ये जो एक्लिप्स है, इसके अंदर मैस्कुलिन मतलब गुड और बैड, ये दो जन बहुत ज़्यादा टकराएंगे एक दूसरे से, समझ रहे हो? गुड और बैड, हमेशा गुड और बैड में कभी सबको पता है कि गुड की ही विन होती है, ईवेल की हमेशा हार होती है, या आप ध्यान रखने का कभी भी। तो ये प्रोसीजर अभी स्टार्ट हो रहा है। आप देखना, अभी पहले जितनी फीमेल्स बात करती थी अवेकनिंग के बारे में, फॉरगिवनेस के बारे में, ये सब चीज़, अब ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स से आप सुनोगे ये सब चीज़ बातें, मतलब मैस्कुलिन एनर्जी वालों से सुनोगे ये सब चीज़, धर्म की, कर्म की, स्पिरिचुअलिटी की, भगवान की बातें आप उनके मुँह से सुनोगे। ये फ़र्क आपको अभी दिखाई देना शुरू होगा ये एक्लिप्स के बाद में। मेजॉरिटी मतलब बोलते हैं काफ़ी लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो यूनियन में आने का प्रोसीजर भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, आप ऐसे बोल सकते हो। देखो, 3 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स, आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने वाले हैं एक्लिप्स के बाद में, मतलब एक्लिप्स इनको झंझोड़ के रखने वाला है। ये पर्सन डेफिनेटली अगर अपनी सारी बुराइयाँ, जो गलती उन्होंने टॉक्सिसिटी आपके साथ में की, किसी के साथ में भी जो टॉक्सिस बिहेवियर उन्होंने की है, वो सब चीज़ इनको समझने आएगा। इनको समझने आएगा किस तरह से इनके आँखों पे और सब जगह, है ना, हाथ पे सब जगह ना बंधे हुए थे, तो इन्होंने दिखाई नहीं दिया, किस तरह से इनको सब जन ने घेर के रखा था, ये चीज़ इस पर्सन को समझने आएगा या आएगी। जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में है, उनको डेफिनेटली ये बात समझ में आएगी कि उन्होंने किस तरह से आँख पे पट्टी बांध ली थी। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट देने वाला है। तो पेज ऑफ कप्स आ रहा, तो डेफिनेटली एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने की वो डेफिनेटली सोचेंगे। अपनी टॉक्सिसिटी पहले रिलीज़ करेंगे, अपने टॉक्सिक बिहेवियर ख़त्म करेंगे कम्प्लीटली, और जो आँख पे से पट्टी उनकी उतरेगी अभी, जो उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी, तो डेफिनेटली आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। हो सकता है आपको अनब्लॉक करें या आपसे बातचीत करने की कोशिश करें, ये चीज़ डेफिनेटली ये पर्सन करने की सोच करेगा अभी, क्योंकि ये प्रोसीजर, यूनियन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, ऐसे बोल सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, मैस्कुलिन फेमिनिन अलाइन होने का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब मैस्कुलिन एनर्जी अवेकन होती है ना, वो बहुत फास्ट अवेकन होती है, वो बहुत फास्ट अलाइनमेंट में आ जाती है, समझ रहे हो? क्योंकि आप फीमेल को जितना टाइम लगता है अवेकनिंग में और समझने में, उतना टाइम मैस्कुलिन को नहीं लगता है।
खाली उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी होती है। अवेकनिंग नहीं स्टार्ट होती है तो कुछ नहीं कर सकते, और कर्मा पे भी डिपेंड करते हैं उनके कार्मिक्स कैसे है लाइफ में। वो कार्मिक बैलेंस जब तक क्लियर नहीं होता तब तक भी उनकी अवेकनिंग फास्ट नहीं हो सकती है। देखो टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ, दोनों किंग और क्वीन का कार्ड खुला है। उनको पता है कि हम लोग एक पावर कपल है, एक स्ट्रांग कपल है, हम दोनों साथ में मिलेंगे तो ये हम लोग आगे है ना, हमारा टेन ऑफ कप्स हमका वेट कर रहा है, हमारी लाइफ, चिल्ड्रंस, बच्चे, जो भी चीज़ वो चाहते हैं आप दोनों, वो दो चीज़ें वो सब चीज़ वेट कर रहे हैं। टेन ऑफ कप्स डेफिनेटली एक यूनियन का कार्ड है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड है। तो ये समझने आ रहा है, ये जो बंदा है, बंदी जो भी सामने है आपके, वो उनको समझने आ रहा है कि आप दोनों पावर कपल हो। ये सोलर एक्लिप्स ये चेंज लेके आएगा आपके पर्सन के अंदर। आप देख सकते हो बेस में कार्ड खुला है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का, ये अलाइनमेंट का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है। वो सिचुएशन अलाइनमेंट में आएगी, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होगी, समझो। अपोलॉजी का कार्ड है, ये पर्सन आपसे अपोलॉजी मांग सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं अपनी सारी गलतियों के लिए। आपको बोल सकते हैं कि मुझे है ना फॉरगिव कीजिए, ये पर्सन का मुझे है ना इस तरह से बहुत स्ट्रांग लग रहा है। देखो आपके पर्सन का कह रहा है न्यू स्टार्ट इज कमिंग, दिख रहा है आपको, न्यू स्टार्ट इज कमिंग आपका दिखा रहा है। तो न्यू मुनि आपका जो है ना, ये जो एक्लिप्स है, ये एक्लिप्स के बाद में एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आप लोगों का अवेट कर रही है, ऐसे बोल सकते हो। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, अभी आप कंक्लूजन पे पहुंचने वाले, ऐसे बोल रहे ना, पहले कंक्लूजन दिखाई नहीं दे रहा था, एंड दिखाई नहीं दे रहा था सेपरेशन का। ये फुल मून एक्लिप्स या जो न्यू मून एक्लिप्स जो आपका आ रहा है ना, न्यू मून एक्लिप्स ही आपको उसके आपको कंक्लूजन्स दिखाई देने लग जाएंगे लाइफ में। जो दिख नहीं रहे थे, हिडन चीज़ें थी ना, वो सामने आना धीरे धीरे शुरू होगी। जो आप बोलते हैं ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, जो लोग बार बार क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं कब होगा कैसे होगा, आपको हिडन चीज़ें डेफिनेटली बाहर उभर के आएंगी। ये एक्लिप्स उभार के लेके आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं लेके आएगा। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, ये एनर्जी मोमेंटम ले रही है, मतलब स्पीड पकड़ रही है। ऐसे बोलते हैं ना, एक ऊपर कोई भी चीज़ को ना वार्म अप होता है, पहले वार्म अप होने के बाद में एक्सरसाइज फास्ट होती है, उस तरह से ये अभी आपका वार्म अप कब का हो चुका है, अब मोमेंटम पकड़ेगा, वो स्पीड पकड़ेगा, ऐसे बोल सकते हो। नो ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, डेफिनेटली प्रैक्टिकलिटी की अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो डेफिनेटली आप दोनों, आपको भी जो मेहनत कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकलिटी में डालना पड़ेगा। खाली 5D में रहने से कुछ नहीं होगा, 5D की चीज़ें जो है आपने सीखी है, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, लविंग अनकंडीशनली, ये सब चीज़ आपको 3D में भी अप्लाई करनी पड़ेगी। इक्वली आपको भी अप्लाई करनी पड़ेगी, आपके पर्सन को भी अप्लाई करनी पड़ेगी, दोनों को ही अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप लोगों का भी ये एक सोलर एक्लिप्स में आप बोल सकते हो कि होगा, और बी पॉजिटिव, बहुत अच्छा है ये एक्लिप्स आप लोगों के लिए, बहुत पॉजिटिविटी है आपके लिए। आप ये जरा भी मत सोचना कि नेगेटिव होने वाला है या ऐसा कुछ होने वाला है, एकदम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेके आएगा ये एक्लिप्स आपके लिए। और इसमें क्या, ये जुपिटर के केंद्र में सारे, समझ रहे हो, जुपिटर जो गुरु है उसके केंद्र में सारे, मतलब केंद्र किसको बोलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सेवेंथ और टेंथ हाउस केंद्र होता है। तो उस जुपिटर के केंद्र के अंदर ही ये सारे आपके जो मेन प्लैनेट्स हैं, शनि, राहु, केतु, ये सब सारे उसके अंदर आने वाले हैं, उस केंद्र के अंदर। और जुपिटर किसको रिप्रेजेंट करता है, मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जब जुपिटर मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट जो है, तो जुपिटर के हाथ में पावर होगा, तो जुपिटर की अवेकनिंग स्टार्ट होगी, समझ रहे हो। उसके कंट्रोल में सारे ये जो प्लैनेट्स हैं ना, वो उनको हेल्प करेंगे अवेकनिंग करने में। ऐसा नहीं अभी वो उनको अफेक्ट नहीं कर सकते, मैस्कुलिन को, ना राहु ना केतु ना वो सब आपके पर्सन को हेल्प करेंगे अवेकनिंग आने में, क्योंकि आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, जुपिटर की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। कभी भी देखो, लड़की की पत्रिका में कभी भी जुपिटर देखा जाता है कि है ना, उसका स्पाउस जुपिटर के हिसाब से देखा जाता है कि कैसा होगा, और मेल की पत्रिका में कभी भी शुक्र मतलब वीनस देखा जाता है कि उनकी स्पाउस मतलब लड़की कैसी होगी, कैसी मिलेगी, ये चीज़ देखा जाता है। तो दोनों में अगर आपको लड़का, आपको लड़का चाहिए, आपकी शादी करना, आप लड़की हो तो आपको गुरु की पूजा ज़्यादा करनी चाहिए, और जो सपोज आप मेल हो तो आपको शुक्र की पूजा ज़्यादा करनी चाहिए। कभी भी देखो माइलस्टोन, ये डेफिनेटली आपको एक अचीवमेंट आपका वेट कर रहा है, आपका इवेंट मतलब बिगेस्ट इवेंट आप जिसका वेट कर रहे हो वो अभी हो रहा है, ऐसे आप बोल सकते हो। बिहाइंड अ मास्क, जो जिन्होंने मास्क पहन के रखा है ना, वो सारे मास्क उतरेंगे, आपके पर्सन के भी मास्क उतरेंगे, क्योंकि बिहाइंड द मास्क, मास्क सारे सबके बाहर उतर के बाहर आएंगे। आपको जो हिडन चीज़ें मैं बार बार बोल रही हूँ, हिडन चीज़ें सामने आएंगी, ग्रेट अचीवमेंट। ये एक्लिप्स आपके लिए बिगेस्ट अचीवमेंट होगा, आई बिलीव मी, ये बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का एक्लिप्स है, बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशली मैस्कुलिन के लिए, स्पेशली मैस्कुलिन एनर्जी में जो है, जो रनर है, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी, उनका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, और बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे ये पर्सन।
क्योंकि गॉड यूनिवर्स का इंटरवेंशन आ रहा है, यूनिवर्स इंटरवेंट करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, जो करेगा यूनिवर्स करेगा। अगर कोई उनको स्टॉप करने की कोशिश करेगा, नेगेटिव एनर्जी भी स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, इविल साइड को स्टॉप करने की कोशिश करेगा, तो वो भी नहीं रोक सकेंगे क्योंकि गॉड का इंटरवेंशन आ रहा है, यूनिवर्स का इंटरवेंशन आ रहा है, तो कोई स्टॉप नहीं कर सकता है उनको। अगर वो स्टॉप करने की कोशिश करेंगे तो उनके ऊपर उल्टा गिरेगा, समझ रहे हो? तो वो आप समझ के चलिएगा, इसलिए नेगेटिविटी का कोई भी अपने दिमाग में आने मत दीजिए, किसी भी तरह के नेगेटिविटी को आने मत दीजिए। देखो ओरिजिनलिटी, बी ओरिजिनल है ना, ब्लेज योर ओन ट्रेल, आप खुद अपनी एक ओरिजिनलिटी मेंटेन रखिए, किसी को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, किसी से कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिए, खुद जैसे हैं ना वैसे रहिए, तो ही आप अपने वाले इंसान को सेल्फ लव, ये सेल्फ लव भी बोलते हैं, खुद को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, ना कंपेरिजन में, जेलसी में, ये सब चीज़ आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। आर्क एंजल रेफ्रियल प्रोवाइडर ऑफ हीलर ऑफ माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, ये आपका डेफिनेटली एक हीलिंग प्रोसीजर स्टार्ट है। मैं बोला बटरफ्लाई दिख रहा है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली है, आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन फेज स्टार्ट हो रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन, सेलिब्रेट कीजिए लाइफ को, जैसी है वैसे एक्सेप्ट कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि सेलिब्रेशन आगे आपको लाइफ में पर्सन का अवेक, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आपका यूनियन तो होना ही होना है, आज नहीं तो कौन कल, अगर आपके वो ट्रू ट्विन फ्लेम है तो। ये याद रखिएगा, आप लोगों को धरती पे क्यों मिलाया गया, ऐसे तो नहीं मिलाया गया ना, यूनियन के लिए मिलाया गया। अगर आपके वो ट्रू ट्विन फ्लेम है तो आपके पर्सन का आपके साथ में रीयूनियन या यूनियन जो भी आप बोलते हो वो होकर रहेगा। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस, अपनी चॉइसेस क्लियर रखिए माइंड में, ऑप्शन मत रखिए, आपकी चॉइसेस माइंड में क्लियर रहेगी ना तो यूनिवर्स को भी वही आंसर जाता है, तो वो आप ये एटलीस्ट का ध्यान रखिए कि अपनी चॉइस आप एकदम क्लियर रख के रखियो, माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अपने पर्सन के लिए कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, ये आपको क्लियर एनर्जी चॉइस बनानी है अपनी, ये आपको समझ के चलना है। समझ रहे हो आपको कि ये सोलर एक्लिप्स क्या लेके आना है, मैसिव आपकी अवेकनिंग ऑफ मैस्कुलिन्स, मेजॉरिटी ऑफ मैस्कुलिन्स की ये होने वाला है सोलर एक्लिप्स में। ओके फ्रेंड्स, होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।